हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आप सभी के साथ एक ऐसी स्नैक्स की रेसिपी लेके आई हूँ जिसे आप इजीली घर पर 10 से 15 मिनट में बना करके तैयार कर सकते हैं और ये स्नैक्स आपके बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आएंगी। तो चलिए फटाफट बनाना शुरू करते हैं इसे। तो सबसे पहले मैंने लिया है 2 बॉयल आलू जिसे मैंने ग्रेट कर लिया है। इसमें हम ऐड कर देते हैं 4 बड़ी चम्मच कॉर्नफ्लोर, टेस्ट के अनुसार नमक, 1/2 टीस्पून इसमें हम ऐड कर देते हैं जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून इसमें हम ऐड कर देते हैं चाट मसाला पाउडर। अब इसमें हम ऐड कर देते हैं बारीक कटी हुई हरी धनिया, बारीक कटी हुई 2 हरी मिर्च, 1/2 टीस्पून इसमें मैंने काश्मीरी लाल मिर्च इसमें ऐड कर दिया है और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिला लेते हैं। तो देखिए मैंने मिला लिया है। अब हम क्या करेंगे, छोटी छोटी इसका लोइयां तोड़ेंगे और इसका हम शेप दे देते हैं। जिस तरह कुरकुरे का शेप रहता है बिल्कुल वैसे ही इसका हम शेप दे देते हैं। तो मैंने बीच से कट भी कर लिया है, इस तरह जल्दी से बन जाता है ये। तो मैंने सारे मिश्रण को ऐसे ही शेप देके बना लिया है। उधर मैंने कढ़ाई भी चढ़ा दिया था, उसमें हम डाल दिए थे तेल, तो तेल भी गर्म हो गया है और सारे स्नैक्स को हम डीप फ्राई कर लेते हैं और गैस की आंच को हम धीमा ही रखेंगे, तेज नहीं रखेंगे। तो देखिए मैंने 4 बैच में सारे स्नैक्स को फ्राई कर लिया है और ये कितना जल्दी बनके तैयार भी हो गया है। अगर ये रेसिपी की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ये स्नैक्स आपके बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगी। आप इसे छोटी मोटी भूख में बना के खा सकते हैं और अपने बच्चों को खिला सकते हैं। तो कितना जल्दी ये बनके तैयार भी हो गई। आप इसे टमाटर सॉस के साथ सर्व करें गर्मा गर्म और इन्जॉय करें। तो मिलते हैं और एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।